जिले के केसठ प्रखंड मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति मध्य विद्यालय के प्रांगण में आन बान शान से तिरंगा फहराया गया। मजबूत गणतंत्र के संकल्प के साथ 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर को याद बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मृति व स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने राष्ट्रीय सलामी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने परेड और राष्ट्रीय गाने की प्रस्तुति से वीर शहीदों को याद किया। स्कूल परिवार के सम्मानित शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सहयोग राष्ट्रहित में देखा गया। बक्सर से रामराज सिंह की रिपोर्ट। आप सर यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इससे राष्ट्र के प्रति बच्चों में किस तरह का संदेश मिलेगी? देखिए, हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हम लोगों का 17वां गणतंत्र दिवस है। ये सब मनाने से बच्चों में एक राष्ट्र भावना और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरती है, क्योंकि पहले भी जिन वीरों के वजह से हम लोग देश में आज़ाद हुए हैं और आज़ाद देश के नागरिक कह रहे हैं, तो संविधान के नियमों और अनुशासन में रहते हुए बच्चे आगे चल करके राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, इन्हीं से कल का निर्माण होने वाला है। अतः ऐसी राष्ट्रीय पर्व मना करके हम बच्चों में अनुशासन, धैर्य और नियमों का पालन करना सिखाते हैं, ताकि वो तिरंगे की शान को मद्देनजर रखते हुए इस देश को अपने आगे ले जाए। और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीयता जिसके अंदर रहेगी वो अपना परिवार, गांव, देश, पूरे धरती, पूरे वर्ल्ड को देख करके चलता है और अपने देश को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। भले ही जान दे करके, कुर्बानी दे करके, लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। इसके लिए हर एक बालक को, हर एक इंसान के अंदर